उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का रिजल्ट कल आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। देखिए भैया, आज का दिन आपका नहीं था, आपका भी दिन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आपका भी दिन आएगा। परेशान होने की, निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब यहां पर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि औपबंधिक वाला प्रश्न है, और ये जो पीएच कैटेगरी है इसके बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, इनका जवाब यहां पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप अगले 5-10 मिनट तक हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो राजस्व लेखपाल की भर्ती आई थी 2022 में, उसमें कितनी सीटें थी। तो हमारे पास टोटल 8085 पद थे। रिजल्ट कितने का आया है, 7897 लोगों का रिजल्ट आया है, यानी कि मोटा मोटा 100 लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। तो आयोग से यही निवेदन है कि भैया 100 लोगों को नौकरी दे दीजिए, थोड़ा कट ऑफ उनको नीचे ले आइए। 100 जो बच्चे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, 100 लोगों के घरों में अगर नौकरी पहुंचेगी तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब ईद दिवाली सब आज ही हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं औपबंधिक रिजल्ट क्या होता है। 253 लोगों को औपबंधिक रिजल्ट के रूप में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमियाँ रह गई होंगी। उदाहरण के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो उन्हें समय दिया जाता है, 2 महीना 3 महीना 5 महीना का समय दिया जाता है कि आप अपने इतने समय में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए। तो ऐसे जितने लोग हैं उनको औपबंधिक यानी नियमों के तहत, शर्तों के तहत आपको चयन सूची में शामिल किया गया है। आप अगर उनकी शर्तें पूरी कर देंगे, शर्तें पूरी करने का मतलब अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा या जो भी होगा वो सारी चीज़ें पूरी कर देंगे तो आपको जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये होता है औपबंधिक, ठीक है। तो यानी कि आप अब जिस बच्चे का भी औपबंधिक में होगा वो अपना अपना हिसाब लगा ले कि उसको क्यों उसका किया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आयोग से संपर्क कर लीजिए कि आपको औपबंधिक में क्यों शामिल किया गया। पीएच वाली बात बहुत बाद में करेंगे, क्योंकि 188 सीटें पीएच कैटेगरी में खाली रह गई हैं। इसकी बात, ये लंबा चौड़ा मैटर है, इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले अनारक्षित पे आते हैं। अनारक्षित में आपका जो विज्ञापन आया था उसमें हमारे पास 3271 सीटें थी, वो आपका जो रिजल्ट आया है 3193 सीटों पर रिजल्ट आया है। मोटा मोटा कह सकते हैं 70-80 सीटें कम हैं, इस जितना सीटें थी उससे कम आपका रिजल्ट दिया गया है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 798 सीटें थी और 780 लोगों का रिजल्ट दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो अनारक्षित की कट ऑफ 83.25 गई है, बहुत ही हाई कट ऑफ है। हज़ारों लोगों के सपने इस कट ऑफ को देखकर टूट गए हैं। बहुत सारे लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें नंबर 2 वालों का रिजल्ट जो आ गया है, जो नंबर 1 वाले थे वो 2-4 नंबर से रह गए। तो ये सब बातें बात की हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 2174 सीटें थी जिसमें 2124 लोगों का रिजल्ट दिया गया है। यानी ओबीसी में मोटा मोटा मान के चलिए कि 50 सीटें कम खाली रह गई हैं और आपका जो कट ऑफ है 81.25 ईडब्ल्यूएस के ठीक बराबर आपका कट ऑफ है। जो हमारी अनुसूचित जाति वाली कैटेगरी है उसमें जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 1690 सीटें थी और जो आपका रिजल्ट आया है 1651 सीटों का आया है। मोटा मोटा 40 सीटें यहां पर खाली रह गई हैं और आपकी जो कट ऑफ है वो 75 कट ऑफ है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन हैं उनकी 152 सीटें हैं और रिजल्ट 3 सीट कम का दिया गया है, यानी 149, यानी 3 सीटें खाली रह गई हैं और इनका जो कट ऑफ है वो 67.50 है। इसी प्रकार महिला वर्ग, ये आपका क्षैतिज आरक्षण में आता है, ये तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण सीधा ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो जाता है। बाकी की सीटें जो है महिला आरक्षण या एक्स सर्विसमैन होता है या हमारे फ्रीडम फाइटर भाई लोग होते हैं उनके जो आश्रित होते हैं वो क्षैतिज आरक्षण में आता है। तो महिलाओं का जो क्षैतिज आरक्षण था उसमें 1604 सीटें थी। चूंकि ये क्षैतिज आरक्षण में आता है तो अगर महिला ओबीसी की होगी तो ओबीसी में जाएगी, एससी को होगी तो एससी में जाएगी, एसटी को होगी तो एसटी में जाएगी और अनारक्षित की होगी तो अनारक्षित में जाएगी। इसलिए कितनी सीटें भरी गई वो आंकड़ा यहां पर नहीं दिया गया है। महिलाओं का जो कटऑफ है वो 77.25 है। इसी प्रकार एक्स मतलब होता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं, उनकी टोटल सीटें विज्ञापन में 149 थी और ये इनका जो कटऑफ गया है 69 गया है। इसमें कितनी सीटें भरी गई हैं वो नहीं बताया जाता है
क्योंकि ये जो हैं ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण में चले जाते हैं। कहने का मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अगर अनारक्षित में है तो आपका भले ही 69 पर सिलेक्शन हो गया है लेकिन आप UR ही माने जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों में विज्ञापन के समय 387 सीटें थीं और आपका जो कट ऑफ गया है 67 गया है, ठीक है, बात समझ में आया। ये तीनों जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण के सीटें हैं इनमें कितनी सीटें भरी गई हैं ये नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? कि ये जिस कैटेगरी के होते हैं उसी कैटेगरी में चले जाते हैं। ये हमारा कट ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। अब बात करते हैं PH कैटेगरी में, और इसमें एक वर्ग होता है OH वाले। बहुत भाई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि OH का रिजल्ट नहीं दिया गया है, चलिए इनकी बातें करते हैं। तो PH कैटेगरी में आपकी मान के चलिए 188 सीटें खाली रह गई हैं, 188 सीटें PH कैटेगरी में खाली रह गई हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी हमारी कैटेगरी थी। तो देखो ये जो लेखपाल का विज्ञापन आया था इसमें सिर्फ PH की तीन कैटेगरी थी, PH की सिर्फ तीन कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी बधिर और श्रवण, बधिर और श्रवण की 102 सीटें थीं, बधिर और श्रवण की 102 सीटें थीं। और जो एसिड अटैक से पीड़ित लोग होते हैं, कुष्ठ जो बीमारी होती है उससे जो रोगमुक्त रोग लोग हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी टोटल 122 सीटें थीं। और आपका MD यानी बहु दिव्यांग, एक से ज़्यादा दिव्यांगता जिसमें होती है, बहु दिव्यांग उनकी 85 सीटें थीं। तो सिर्फ तीन कैटेगरी ही दिव्यांगों की थी, यहाँ पर OH यानी आर्थो वाला दिव्यांग की सीट नहीं थी। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहे हैं कि आर्थो वाली यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी OH कैटेगरी की। अब बात करते हैं तो जो बधिर व श्रवण था इसमें कितनी सीटें खाली हैं ये नहीं बताया गया है। इसकी कट ऑफ 63.5 गई है। एसिड अटैक्स या कुष्ठ बीमारी से जो पीड़ित ये सारे जो वर्ग होते हैं उसमें टोटल 122 सीटें थी विज्ञापन में, इसमें से 115 सीटें खाली रह गई हैं। ये खाली वाली हैं, 122 में से 115 सीटें खाली हैं, यानी कि इन्हें कोई मिला ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 लोग मिले हैं एसिड अटैक वाले और कुष्ठ बीमारी से जो रोग मुक्त हो गए हैं, ऐसे सिर्फ 7 लोग मिले हैं और इनकी कटाव 47.25 गई है। इसी प्रकार बहु दिव्यांग में 85 सीटें थी, बहु दिव्यांग में 85 सीटें थी जिसमें से 73 सीट खाली रह गई है। ये खाली वाली सीटें हैं, ठीक है। तो 73 का मतलब है, 73 सीट खाली का मतलब है आपका 8 और 5 13 सीट आपकी भरी गई है, ठीक है, सॉरी 7 5 12 सीट आपकी भरी गई है। और MD कैटेगरी में सिर्फ 12 सीटें ही भरी गई हैं और आपका जो कट ऑफ है वो 30.75 है। तो ये जो क्षैतिज आरक्षण की सीटें हैं ये जिस वर्ग में होंगे उसी वर्ग में शामिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एसिड अटैक या कुष्ठ पीड़ित कोई बच्चा है, भले ही उसकी कट ऑफ 47.25 मानी गई है, लेकिन अगर वो OBC का बच्चा है तो OBC में ही माना गया जाएगा। इसलिए इसकी कितनी सीटें भरी हैं वो आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है। बात आप समझ रहे हैं, जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है उसमें जो सीटें भरी गई हैं उनका आंकड़ा पूरा दिया गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण की सीटें होती हैं वो अपनी मूल कैटेगरी में चले जाते हैं। इसलिए क्षैतिज आरक्षण में कितने सीटें भरी गई हैं वो आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो क्षैतिज आरक्षण में महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और PH कैटेगरी शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो PH कैटेगरी का हो रहा है, क्योंकि इनकी 188 सीटें खाली हैं। और OH वालों को आपका आंसर मिल गया होगा, OH वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि OH की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में OH कैटेगरी की यहाँ पर कोई भी खाली सीट नहीं है, इसलिए OH यानी कि आपको दिव्यांग माना ही नहीं जाएगा। आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में चयनित होंगे। जैसे कि अगर आपका OBC कैटेगरी में है तो OBC ही कैटेगरी में आपको 81.25 नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप अनारक्षित में हैं तो 83.25 नंबर लाना पड़ेगा, यही यदि आप SC कैटेगरी में हैं तो आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा। तो उम्मीद है जो दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं वो उनको आंसर मिल गया होगा कि इस विज्ञापन में सिर्फ तीन ही कैटेगरी लिया गया था, बधिर और श्रवण वाली कैटेगरी जिसमें 102 सीटें थी, एसिड अटैक कुष्ठ पीड़ित वाली कैटेगरी जिसमें 122 सीटें थी और 115 सीटें खाली रह गई हैं, और MD बहुत दिव्यांग वाली कैटेगरी थी जिसमें 85 सीटें थी और 73 सीटें खाली रह गई हैं। टोटल अगर PH का जोड़ें तो 102 इधर, 122 इधर और 85 इधर,
टोटल अगर हम जोड़ें इनको तो लगभग लगभग 300 आता है, और 300 में से यहाँ पर आप देख रहे हैं 188 सीटें पीएच कैटेगरी की खाली रह गई। लेखपाल की भर्ती में इन तीन कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी अन्य दिव्यांग बच्चा है तो उसको काउंट नहीं किया गया है, उसको सामान्य कैटेगरी में ही डाला गया है। जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी की कैटेगरी जो होगी उसकी कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप अनारक्षित हैं तो आपको अनारक्षित की कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। ओएच की कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है, और अगर आप किसी अन्य प्रकार से दिव्यांग हैं तो उनकी भी यहाँ पर कोई भी सीटें नहीं हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर जो पीएच के बच्चे हैं उन्हें अपना आंसर मिल गया होगा, और ये औपबंधिक वाला आंसर मिल गया होगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो दूसरे रास्ते से नौकरी पाते हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा गई है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं तो अध्यापक हूँ, अयोध्या नगरी में बैठ के आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया तो देख नहीं रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है भैया। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, इस रिजल्ट को स्वीकार करिए। अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो अगली परीक्षा की तैयारी करिए, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है। 2-4-10 दिन रिलैक्स करिए, आराम करिए, उसके बाद फिर बिल्कुल मन लगा के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, पुलिस की भर्ती तो आ ही गई है, उसका तो फॉर्म आप लोगों ने भर ही दिया होगा। अगर गणित विषय को आपको डिटेल में पढ़ना है और बिना फार्मूले के पूरी अंकगणित आपको पढ़ना है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जल्द ही गणित के बैच को लॉन्च करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होगी, एक को पैसा नहीं लेना, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाई होगी। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।